नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमी का हिसाब किताब और मैं हूं अनिंद्य चक्रवर्ती। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि जीडीपी का तो कमाल हो गया है ना, आपने सुना होगा, व्हाट्सएप पे आया होगा आपको, लेकिन फिर भी किसान और भी बदहाल क्यों है, ये आपको जीडीपी के आंकड़ों से सीधा नहीं मिलेगा, लेकिन इकोनॉमी का हिसाब किताब लगाकर हम आपको समझाएंगे, बताएंगे क्यों ऐसा हो रहा है। खैर, कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त हैं, वो इस सरकार के बहुत बड़े सपोर्टर है, भक्त है, उन्होंने मुझे ये ट्वीट भेज दिया, एक स्क्रीनशॉट लेके ये ट्वीट भेज दिया मुझे, अमित मालविया जी के, जी बीजेपी का, कि इट्स मैसिव मैसिव। इंडिया का जीडीपी पहले तीन महीनों में, जो कि अप्रैल से जून में, 20% ऊपर चला गया है। 20% जीडीपी अप्रैल से जून 2021 में, अगर हम तुलना करें अप्रैल से जून 2020 के साथ, 20% बढ़ गया है। आप समझिए 20% का मतलब क्या होता है, मतलब है कि पिछले साल आपकी सैलरी 25,000 थी और आपके बॉस ने एक बार में, एक धक्के में 20% बढ़ाकर आपको 30,000 रुपए दे दिए, सैलरी आपकी बढ़ गई। आपकी सैलरी, आप मिडिल रैंक के बाबू हैं और आपकी सैलरी 50,000 है और आपके बॉस ने एक धक्के में 10,000 बढ़ा दिया, ये होता है 20%। आप सीधा 60,000 पे चले गए। खैर, मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि अच्छा 20% बढ़ा है, इसका मतलब, हमें पता था कि पिछले साल तो जीडीपी गिरी थी ना, कोविड का लॉकडाउन हुआ था, सारा हुआ था, पिछले साल हमारे इसी टाइम पे जीडीपी गिर गई थी, तो 20% बढ़ के क्या हम वापस पटरी पर आ गए हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने लिया कि अप्रैल से जून के बीच अगर मैं देखूँ तो हमारी जीडीपी कितनी थी, 2019 से स्टार्ट करता हूँ, जो कि 18 से स्टार्ट करता हूँ, जो कि कोविड से पहले की है, 2018 के अप्रैल जून की तुलना में 2019 के अप्रैल जून में लगभग 5.5% की बढ़त हुई, ग्रोथ जिसको हम कहते हैं, विकास दर में बढ़त हुई 5.5% के आसपास। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कोविड आ गया, पिछले साल आपको याद है अप्रैल से जून के बीच, तो धड़ाम से हमारी GDP 24.5% के आसपास गिर गई। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो गिर रहा है ना, और उसके बाद क्या हुआ है, 20% बढ़ा है, तो 20% बढ़ के, खैर अभी भी 2019 के लेवल पे तो आई नहीं है, हम साफ दिख रहा है, लेकिन क्या 2018 के लेवल पे आए, मैं एक लाइन खींचता हुआ देखिए, फिर भी गैप है। आज भी हमारी जीडीपी 2018 यानी कि 3 साल पहले जितनी थी उससे भी कम लेवल पर है, यानी ना ही जीडीपी पटरी पर आई है, जीडीपी पटरी पर आने तो दूर की बात है, हाँ अभी तक 2018 के लेवल पर भी नहीं आई है। तो मैंने एक और चीज़ किया, देखिए एक तो कोविड के चलते जीडीपी गिर गया, अगर कोविड नहीं होता तो आज हमारी जीडीपी कितनी होनी चाहिए थी, हाँ एक हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैंने 2011 से लेकर 2019 तक का ये जो अप्रैल जून की तिमाही है उसमें औसतन हमारा विकास कितना होता रहा है वो मैंने कैलकुलेट किया, जो कि 6.8% के आसपास है, 6.8% आप देख रहे हैं। खैर, उसी पे अगर मैं लगाऊं कि 2018 के बाद 2019 के बाद अगर 6.8% जाए तो यहाँ होता थे, और उसके बाद एक और 6.8% ऊपर जाता तो ये वाला लास्ट वाला आप देखते 2021 में जाकर ये बैंड बनता, लेकिन हुआ क्या, ये तो लाल जो आप बैंड देख रहे हैं वो हुआ है, मतलब एंड में जाकर 2021 में गैप अभी जो है वो लगभग 26% का गैप आज के डेट पे है, जो होना चाहिए था अगर लगभग 6.5-7% का रेट पे ग्रोथ होता, जो होना चाहिए था जीडीपी उसके जगह पे जहां पर हैं हम, 1/4 कम है, यानी सिर्फ पटरी वापस पे लाकर फिर से उसी रेट पर जाने की जो होना चाहिए था हमें बहुत वक्त लग जाएगा। तो ये वो जीडीपी की बात, लेकिन एक चीज है कि जो हम कृषि क्षेत्र है जिसको एग्रीकल्चर कहा जाता है उसमें ग्रोथ लगातार हुआ है, पिछले साल भी नहीं गिरा था। आप देखिए मैं एक के बाद एक 2018 से अप्रैल के जून के बीच में जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ यानी कि कृषि क्षेत्र की में विकास हुआ था वो मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, और आप देखेंगे कि पिछले साल भी नहीं गिरा और इस साल भी अच्छा खासा बढ़त हुआ है। तो इसका मतलब है हमें लगेगा कि किसानों का तो अच्छा खासा पैसा बढ़ रहा है। अगर मैं आज के दामों में देखूं तो आज के दामों में कृषि क्षेत्र में लगभग 11% की बढ़त हुई है, यानी कि अगर मैं देखूं कि हुआ क्या है कि कृषि क्षेत्र का कुल अगर हम देखें, और मैं ये सोचूं कि पिछले साल जून अप्रैल से जून के बीच में
कृषि क्षेत्र की जो इनकम है वो लगभग 200 रुपए थी, 200 रुपए ले लेता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट पे, 11% अगर बढ़े तो वो 222 रुपए पे जा रही है। और अगर मैं सोचूं कि पिछले साल कृषि क्षेत्र में जितने भी लोग थे उन्होंने सारा पैसा खर्च कर दिया, क्योंकि पिछले साल बहुत बुरा हाल था, सारा पैसा खर्च कर दिया, यानी कि उनका एक भी सेविंग नहीं रहा है, कुछ भी सेविंग नहीं रहा, तो ये जो उन्होंने 200 कमाए थे 200 उनका खर्चा हो गया और कोई भी सेविंग उनकी नहीं रही। हाँ, याद रखिएगा कि मैंने कहा कि इस साल 11% रुपए में आज के दामों में बढ़ा है कृषि क्षेत्र का इनकम, तो 222 हो गया है। और मैं कहता हूँ कि पिछले साल जितना खर्च किया था उसी लेवल का खर्चा, हाँ उसी लेवल का खर्चा किसानों ने सभी मिलाकर किया हो, लेकिन याद रखिएगा कि जो गाँव में जो महंगाई दर है वो 5.5% के आसपास था, यानी कि जो चीज़ 200 रुपए से खरीदा जा सकता था पिछले साल वो इस साल जाके वही चीज़ खरीदने के लिए 211 रुपए लगे। लेकिन बचत, आप देखिए सेविंग कहाँ, जीरो था, कुछ भी सेविंग नहीं था, वो जाकर 11 रुपए का सेविंग है, क्योंकि इनकम 222 और खर्चा 211 उसी लेवल पर, यानी किसान चाहता है तो खर्चा भी बढ़ा सकते थे और भी बचत कर सकते थे, मतलब ये जो 11 रुपए का बचत आप देख रहे हैं इसमें से 5 रुपए वो और भी खर्च कर सकते हैं और 6 रुपए बचत हो सकती है। आप कहेंगे कि भैया अभी तक तो आप कह रहे थे कि किसान बदहाल है, यहाँ पे तो दिख रहा है किसानों का हाल बहुत अच्छा है। हाँ, क्योंकि हमने एक चीज़ यहाँ पर नहीं देखा है और वो है कि पिछले 2 सालों में किस तरीके से हमारे देश में रिवर्स माइग्रेशन हुआ है। शहरों में नौकरियां कम हो गई तो गांव में वापस लोग गए हैं, कृषि में गए हैं। मैंने आपको बहुत सारे एपिसोड में समझाया कि ये छिपी हुई बेरोजगारी है। खैर, कृषि क्षेत्र पर बोझ बढ़ गया है, ज्यादा लोग वहां पे काम करते हैं और वहां से उनका इनकम होता है। तो मैं अब क्या करता हूं कि कैलकुलेट करता हूं, और ये डेटा मेरे पास CMI का डेटा है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये हर हफ्ते डेटा लेते हैं और हर महीने काफ़ी डिटेल डेटा छापते हैं और 3 महीने में तो और भी डिटेल डेटा हमारे सामने आता है। तो इससे मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा कि कृषि क्षेत्र में कितना इनकम हुआ है, कितने लोग काम कर रहे थे और औसतन उनका इनकम कितना हुआ होगा, कितना आउटपुट औसतन वहाँ पे हुआ है, ठीक है। उससे हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल असल में कितना इनकम बढ़ा है। तो खैर, मैं देखता हूँ कि सबसे पहले मैं ले रहा हूँ 2020 अप्रैल से जून की बात मैं करता हूँ, 2020 अप्रैल के जून में अगर देखूँ तो लगभग 7.9 लाख करोड़ के आसपास, मतलब 8 लाख करोड़ के आसपास कृषि क्षेत्र का उत्पादन हुआ था, या वही कृषि क्षेत्र का इनकम भी होगा, ठीक है। और वहाँ पर काम कितने लोग कर रहे थे कृषि क्षेत्र में, यानी खेती में कितने लोग काम कर रहे थे, लगभग 13.85 करोड़, मतलब 13.85 करोड़ लोग वहां पर काम कर रहे थे। तो औसतन 57,000 रुपए के आसपास का वैल्यू ऐड हुआ है, यानी इनकम हुआ है इस तिमाही में जितने लोग वहां पे काम कर रहे थे। सारा पैसा किसान को नहीं मिलता, याद रखिएगा कृषि क्षेत्र में सारे पैसा किसान को नहीं मिलता है, इसमें से बहुत सारा पैसा आढ़तिया के पास जाएगा, बहुत सारे जो मिडिल के लोग हैं उनको, लेकिन फिर भी हम जब कंपेयर कर रहे हैं दोनों टाइम पे आढ़तिया हैं, दोनों टाइम पे उनको कमीशन मिलता है, तो ये कंपैरिजन हम कर सकते हैं। खैर, यही अब मैं 2021 की करता हूँ। 2021 में जाकर ये कृषि क्षेत्र का जो वैल्यू ऐड हुआ है वो 8.8 लाख करोड़, और वहाँ पे काम करने वाले लोग, कितने लोग कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो हो गया जाकर लगभग 14 करोड़ 90 लाख के आसपास लोग वहां पे काम कर रहे हैं, यानी औसतन आउटपुट जाकर उनका हुआ है लगभग 59,000 के आसपास 3 महीने में। तो ये आप समझ लीजिए कि ये जो बढ़ा है, जो कृषि क्षेत्र में इनकम औसतन बढ़ा है, वो सिर्फ 3.3% है। याद रखिएगा, पिछले स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कि 11% के आसपास टोटल बढ़त हुआ है कृषि क्षेत्र के इनकम का, लेकिन अगर मैं औसत देखूं कि किसान के हाथ में
किसान ज्यादा बढ़ गए हैं, कृषि क्षेत्र में लोग ज्यादा बढ़ गए, इसका मतलब औसतन सिर्फ 3.3% का बढ़त हुआ है। अब मैं उसी का कंपेयर करता हूं। पिछले बार जैसे मैंने कहा था कि अगर मैं अब ये 3.3% से देखूं तो 2020 में इनकम कितना था, 200 रुपए मैंने बताया, और खर्चा भी था 200 रुपए, बचत था 0। 3.3% इनकम बढ़ गया औसतन, मैंने बताया। अब ये कृषि क्षेत्र का नहीं कह रहा हूं मैं, औसत किसान का कह रहा हूं, तो उनका कुल आय 207 रुपए से भी कम है, मतलब 206.60 रुपए, मैं इसको 207 रुपए लग रहा हूं। लेकिन याद है ना कि गांव में महंगाई दर 5.5% के आसपास है, 5.5% के आसपास महंगाई दर जब हुआ है, इसका मतलब खर्चा 211 उतना ही जो पिछले स्लाइड में भी मेरा था। अब कितना हो रहा है, किसान के हाथ में आया 207 रुपए, पिछले साल बचत 0 था, इस साल 4 रुपए उनको लोन में लेना पड़ेगा, पिछले साल का खर्चा रखने के लिए 4 रुपए उनको किसी से उधार लेना पड़ेगा ताकि पिछले साल का खर्चा चल सके, या उनको खर्चा अपना कम करना पड़ेगा। अब आप समझिए कि अगर खर्चा उनको कम करना पड़ रहा है ऐसे टाइम में, हम जानते हैं कि ICMR के सर्वे से, सेरो सर्वे से, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया, उससे साफ हो रहा है कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ था कोविड। हम जानते हैं कि जिसको कहा जाता है एक्सेस डेथ, ज़्यादा मौतें, उससे भी पता चल रहा है कि बहुत कोविड से लोग मरे हैं, जो सरकारी आंकड़ों से, ऑफिशियल आंकड़ों से पता नहीं चल रहा है। गाँव में भी कोविड फैला हुआ था, यानी कि किसान का, गाँव के लोगों का मेडिकल खर्चा बढ़ गया है, मेडिकल खर्चा बढ़ गया था इस साल, और असल इनकम घट गया था। इसका मतलब है किसान इस वक्त बहुत ही बुरे हाल में है। तो GDP का कमाल, लेकिन किसान है बदहाल। आज का शो यही तक, देखते रहिए न्यूज़ क्लिक, हमें सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।